देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जिस चीज को समझ लेना चाहिए। आप लीडर हैं, एडवाइजर हैं, पति हैं, पत्नी हैं, व्यक्ति हैं, कोई भी रोल में हो। मैं अभी आपको बता रहा हूं सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करियर पिच करना है या पॉलिसी पिच करनी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। इस सिद्धांत को बोलते हैं कॉस्ट पे ऑफ। इसका मतलब है अगर आपको कुछ भी बेनिफिट चाहिए तो उसके कॉस्ट लगती है। उदाहरण के तौर पे जैसे साहब, आप आईफोन लेने के लिए जाते हैं, 1.5 लाख रुपए का मिलता है। सस्ता है कि महंगा? महंगा है। अब इनको ये महंगा क्यों लगा? क्योंकि उन्होंने इस आईफोन को कंपेयर किया। दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं मैं। कार कौन सी है आपके पास? नेक्सन। कितने रुपए की कार है? 12 लाख की। और किसी के पास कार है क्या? कौन सी है? कितने रुपए की है? 6 लाख। 6 लाख की है ये नेक्सन। 12 लाख की कार सस्ती है कि महंगी? महंगी है। और किसके पास कार है? कौन सी? कितने रुपए की है? 30 लाख की है। ये सस्ती है कि महंगी? सस्ती है। वो सस्ती है कि महंगी? महंगी। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? उनके लिए, इनोवा वाले के लिए नेक्सन 12 लाख की सस्ती है और इनके लिए नेक्सन 12 लाख की महंगी है। तो सबसे पहले तो आज के बाद अगर कोई भी व्यक्ति बोले कि मुझे तो उसमें ज्यादा बेनिफिट है, तो किसके कंपेरिजन में बेनिफिट है वो चेक करें। कोई भी चीज सस्ती है महंगी नहीं होती है। इनको लगा कि 12 लाख रुपए में मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो अच्छी वैल्यू मिल रही है, तो ही ये 12 लाख रुपए देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। ये व्यक्ति कभी भी इनोवा के लिए 1 करोड़ नहीं देगा। आप दोगे इनोवा के लिए 1 करोड़? नहीं दोगे। यूजर्स वाली बात है, सिंपल। तो मुझे अगर लगता है कि मुझे जो आईफोन मिल रहा है ये 1.5 लाख रुपए में रीजनेबल, अच्छी तरह, अच्छा अमाउंट है, तो वो ले लेगा। और महंगा लगने वाले को तो 12,000 रुपए का एंड्रॉइड फोन भी महंगा लग सकता है। सो सस्ता और महंगा कुछ भी नहीं होता है, ये सापेक्षिक होता है, रेफरेंसियल होता है कि आप किससे कंपेरिजन कर रहे हो। तो अगर वो व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं मैं इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं बनूंगा, तो मालूम करो क्यों नहीं बनूंगा। अरे सर, इसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब वो किसी ना किसी चीज से कंपेयर कर रहा है कि किसी में कम मेहनत करनी पड़ती है। तो तुरंत उसको पूछो, जहां कम मेहनत करनी पड़ती है वहां पर पे ऑफ क्या मिल रहा है? समझ में आ रही है? म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज्यादा मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है, ज्यादा मिलने की संभावना होती है। तो किस चीज के अगेंस्ट में? रिस्क के अगेंस्ट में। तो ज्यादा मिल सकता है लेकिन रिस्क भी है। इंश्योरेंस में ज्यादा नहीं मिलेगा, सम एश्योर्ड मिनिमम गारंटेड मिलेगा, रिस्क कम है, तो उसके लिए रिटर्न भी कम होगा म्यूचुअल फंड के कम। तो हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है। आप अगर कॉल करोगे तो किस चीज की कीमत चुकाई आपने? अपने आराम की, अपने कंफर्ट की, एसी से बाहर निकलने की, मेहनत करने की, शारीरिक मानसिक, ये कीमत चुकाई। बदले में क्या मिलेगा? सेल्स कमीशन, रिवॉर्ड, रिकग्निशन। रिवर्स करते हैं, अगर आपको सेल चाहिए, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन चाहिए, पे ऑफ, तो उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं मिस्टर वैद्य सिंपल सी बात करता हूं, आप अगर कॉल नहीं करते हो तो उस समय और क्या कर रहे होते हो? और वो जो कर रहे होते हो, क्या वो कॉल से मिलने वाले बेनिफिट से ज्यादा है? हाँ, तो कॉल करने की जरूरत नहीं है, फिर तो उसी में ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, वही करना है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंश्योरेंस में अगर कोई भी व्यक्ति मेहनत कर रहा है एक एडवाइजर के रूप में, तो जो रिटर्न मिल रहा है, जो उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो कोई भी और काम करने के मुकाबले में ज्यादा और सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म मिलते हैं। तो क्या मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं? तो आप अगर मुझे बोलते हैं कि नहीं सर, मेरे तो है ना सेल्स नहीं होता है, मेरे से सेल्स नहीं आता है मेरे को, ठीक है, तो अब सेल्स सीखना पड़ेगा। यानी अगर आपको ज्यादा इनकम चाहिए तो सीखने के लिए जो प्रयास करना है, ये वो कीमत है जो चुकानी पड़ेगी आपको। अगर आप ये कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। विश्राम जी, 60% मार्क आ जाते हैं, पास हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको 90% मार्क चाहिए तो पे ऑफ क्या है? 30% ज्यादा अगर मार्क चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? कीमत चुकानी पड़ेगी। 2 घंटे कम सोना पड़ेगा, टीवी बंद करना पड़ेगा, मोबाइल बंद करना पड़ेगा, ये वो कीमत है जो करनी पड़ेगी। तो एक लीडर के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब कभी भी कॉल करने के लिए जाऊंगा तो मैं उनको पूछूंगा
कि आपको जो कुछ याद आ रहा है, मैंने तो स्क्रिप्ट बताई थी आपको कि महीने की 4 तारीख को हालत खराब हो जाती है, ये क्या है, ये कीमत चुकाई जा रही है। क्या आप खुश हैं ऐसी सिचुएशन से? वो बोलता है हाँ ठीक है, तो मतलब जरूरत नहीं, इसका मतलब उसकी कीमत और पे ऑफ उसको बराबर लग रहा है, क्या ठीक है। लेकिन अगर उसको लग रहा है नहीं यार ये एक्सेप्टेबल सिचुएशन नहीं है, मतलब पे ऑफ कम मिल रहा है, कीमत ज्यादा चुका रहा है वो, तो ज्यादा क्यों चुकानी है भैया, काम चेंज करने की जरूरत है। जीवन की हर आपको आहा क्या बात है, कचोरी तो बहुत गजब, ये दो लाओ भैया, अरे बारिश हो गई बहुत बढ़िया है कचोरी लाओ भैया, अरे भजिए भी लेते आना। क्या बेनिफिट क्या मिल रहा है, पे ऑफ क्या मिल रहा है, आनंद, जीव का आनंद, मौसम का आनंद ले रहे हैं, इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी, एसिडिटी, पेट में जलन, और बहुत ज्यादा समय तक मजे लेते रहे तो अल्सर, और ज्यादा मजे लेते रहे तो सीधा सीधा ऑपरेशन, यस और नो। आप बोलेंगे साहब जोशी जी कहां गए, हाँ लड्डू रसगुल्ला और गुलाब जामुन आने दो, कलाकंद आने दो, फिर एक दिन क्या होगा, इस आनंद की कीमत चुकानी पड़ेगी, वजन बढ़ जाएगा, और अब आपको वजन कम चाहिए तो बेनिफिट क्या है, वजन कम चाहिए, कीमत क्या चुकानी पड़ेगी, 3 किलोमीटर जॉगिंग करनी पड़ेगी, चीनी खाना बंद करना पड़ेगा, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। तो मैं जब इंश्योरेंस का करियर पिच करूंगा तो मैं तो एजेंट को भी बोलता हूं, सर कॉल करने की इच्छा ही नहीं होती है, मूड ही नहीं होता है, मैं तो मत कर, डॉक्टर ने थोड़ी जरूरत, अरे नहीं सर, तो मैं तो सबसे पहले यही बोलता हूं भैया तुमको पैसे की जरूरत नहीं है, अरे नहीं सर पैसे की तो बहुत जरूरत है, मैंने कहा नहीं है यार पैसे की जरूरत, तुमको पता है जैसे तैसे करके इंतजाम हो जाएगा, सेटिंग हो जाएगा, नहीं सर नहीं होगा, तो फिर कॉल करने की इच्छा कैसे नहीं होती है भैया, फिर तो इच्छा होनी चाहिए, नहीं सर नहीं होती है मतलब पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, अपने आप एसी से बाहर निकलकर 48 डिग्री टेम्परेचर में व्यक्ति घूम लेता है, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि अब बाहर नहीं निकलने की जो कीमत है ना वो अनएफोर्डेबल हो जाएगी। कौन सी कंपनी का फोन है सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी वो एयरटेल का, बीएसएनएल का, मेरे पास वो वोडाफोन है ना, मुझे अभी वोडाफोन की सिचुएशन पता नहीं है, वोडाफोन का प्रीपेड है कि पोस्टपेड है, पोस्टपेड, बिल कितनी तारीख को आता है, 5 तारीख को, अगर और फिर 10 एक दिन मिलते हैं उसमें, इधर सुनो ध्यान से, हेलो, अगर आप वोडाफोन का बिल नहीं भरते हैं 5 तारीख को तो क्या होता है, आगे 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 10 दिन भी नहीं भरा तो बंद, 1 महीने वेट नहीं करते, अगले बिल में ऐड करके नहीं भेजते, नहीं भेजते, भरना ही पड़ता है, तो भरते हो ना, क्यों भरते हो, उसको तो ऐसा नहीं बोलते कभी आर्थिक हालत खराब चल रही है भैया मेरी, समझो थोड़ा यार, नहीं सर मैं प्रयास तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन मेरा आ नहीं रहा है पेमेंट, थोड़ा 1 महीने और चालू रख दो, सुनता है कि नहीं, आप इसलिए बिल भर देते हो अरेंज करके क्योंकि पता है नहीं भरने की जो कीमत है ना वो अफोर्डेबल, फोन बंद हो जाएगा वो अफोर्डेबल, तो ये कीमत अफोर्डेबल ना होने की वजह से प्रयास हो जाते हैं। आप लोन का ईएमआई नहीं भरते हो, फोन आएगा, दूसरे महीने भी नहीं भरते हो तो आदमी घर पे आ जाएगा, तीसरे महीने नहीं भरोगे ना तो नोटिस लगा के घर पे चले जाएंगे, तो हम 1 महीने तो खींच लेते हैं, दूसरे महीने घर पे आदमी आने लगेगा तो क्या होगा, आपको लगेगा घर पे बीवी बैठी है, बच्चे बैठे हैं, कोई रिलेटिव आया हुआ हो और उस समय बैंक वाला आ गया तो इज्जत का कपड़ा हो जाएगा, तो ये अफोर्डेबल नहीं है, इसलिए अगले महीने अरेंज करके भेज देते हैं। अभी समस्या क्या है, हमारा जो एजेंट है ना उसके लिए असफलता अफोर्डेबल है, उसके लिए गरीबी अफोर्डेबल है, उसके लिए चीजें ना होना, सुविधा ना होना अफोर्डेबल है, इसलिए वो प्रयास नहीं कर रहे। तो एक डेवलपमेंट ऑफिसर का, एक लीडर का, एक ट्रेनर का, एक मैनेजर का रोल क्या होता है, सतीश भाई सुनना बहुत ध्यान से। मैं एक दोस्त के यहां गया था राम अवतार जी, तो हम बैठे थे बातचीत कर रहे थे, काउंसलिंग की थोड़ी सी बातचीत चल रही थी,
तो उसका एक कुत्ता था प्यारा सा, है ना, लोग घर में कुत्ता पालते हैं। तो कुत्ता सोफे पे बैठा था। अब मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, तो मैंने उसको बोला भैया इसको यहाँ से हटा। बोले नहीं बैठा रहेगा, काटेगा ना, तू चिंता मत कर बैठा रहेगा। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है मैडम। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेरा एक कट दिखाई दे रहा है आपको जी, ये कट, यहाँ पे एक कट दिखाई दे रहा है। मुझे कुत्ते ने ऐसे पकड़ा था, ऐसे बच गए, ये तो बच गए, नहीं तो राणा सांगा हो जाता मेरे काम। अब कुत्ते ने क्यों पकड़ लिया, हम छोटे थे मामा के घर जाते थे, मैं बीकानेर को, मामा भुज में रहते रहा, तो उस जमाने में क्या, तो बहुत 36 घंटे लगते थे ट्रेन में, तो 3-4 साल में एक बार जाते थे, और जाते थे तो भाई महीने महीने पर रुकते थे। तो हम सारे कजिन वजिन इकट्ठे हुए, सारे भाई बहन सारे, तो सब लोग खाना वाना खा खिला, तो हम खेलते थे आंगन में, वो जो मोहल्ला का आंगन होता खेलते थे। तो खेलते खेलते वो नीम के पेड़ के नीचे एक कुत्ता बैठा था, सो रहा था विश्राम जी, तो सो रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने खींच के उसको एक लात मारी, तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने मेरे को पकड़ लिया उछल के, ऐसे छोटा था मैं, ऐसे पकड़ लिया। तो सब लोग चिल्लाए, तो फिर मेरे मामा का लड़का है, लड़के हैं हमारे भाई साहब है जो, तो भाई साहब वो आए लकड़ी लेके और कुत्ते को मारा, कुत्ते ने छोड़ा, फिर हॉस्पिटल ले गए, 14 इंजेक्शन पेट में लगे थे, छोटा था मैं तब, तो तब से बहुत डर लगता है कुत्तों से। तो मैंने उस दोस्त को बोला, मैंने कहा भाई इसको भगा, बहुत डर लगता है। अरे कुछ नहीं, चिंता मत कर, बैठा रहेगा, काटेगा, तू बात कर। अब मैं बात कर रहा हूँ जिग्नेश भाई, और कुत्ता ऐसे रो रहा है, और डिस्टर्बेंस और हो रहा है हमको। मैंने कहा इसको हटा यार, डिस्टर्बेंस हो रहा है, काटेगा नहीं, चीख है, चिंता मत कर। मैंने कहा रो क्यों रहा है? बोले तेरे को समझ में नहीं आएगा, तू छोड़, तू बात कर। मैंने कहा तू समझा तो सही यार। तो उसने मुझे बोला कि हिमांशु ये जहां पर बैठा है ना सोफे पे, उसमें नीचे से खिल्ली निकली हुई है, वो इसको चुभ रही है, इसलिए रो रहा है। तो मैंने कहा भैया चुभ रही है तो उठ के कहीं और क्यों नहीं चला जा रहा है? तो बोले इतने भी नहीं चुभ रही है। हमारे एजेंट के साथ और हमारे साथ यही सिचुएशन है, जीवन में तकलीफें है विश्राम भाई, पर इतने भी नहीं है कि कुर्सी से उठ के चार कॉल कर लें। पर ठीक है, तो एक लीडर का, एक ट्रेनर का, एक CLIA का, एक मैनेजर का, एक DO का, एक SBA का रोल क्या होता है पता है? एजेंट के घर पे जाना और सोफे के नीचे से खिल्ली को थोड़ा ठोकना, थोड़ी और ऊंची करना, ताकि चुभे ज्यादा और उठ के बाहर जाए। और ये जो मैंने आपको पिचेस बताई है, हाउ फार यू आर फ्रॉम योर फाइनेंशियल बैंकरप्सी, वैल्यू ऑफ यू, ROI टू योर पेरेंट्स, ट्रेजेडी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, पावर ऑफ 18, ये वो सारी खिल्ली है जो थोड़ी सी ऊंची करनी है, ताकि उसको समझ में आए कि रुको यहां से उठा, कुत्ता है वो, उसको पता नहीं है यहां से उठा जा सकता है, लेकिन हम इंसान हैं, कुत्ते नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि उठा जा सकता है, इसका सॉल्यूशन है। पर उसको किसी ने बताया नहीं इस तरह से। लोगों ने क्या बताया? वो कुत्ता रो रहा है, दर्द है, एडवाइजर को भी तकलीफ है। अब लोग बोलेंगे सर आपने एडवाइजर को कुत्ते से कंपैरिजन कर लिया, ये तो हमको डीमीन कर लिया सैनी साहब। तो लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि भैया उससे खराब जिंदगी जी रहे हो तुम। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में होने के बाद जिस इंडस्ट्री में इतना स्कोप है कि आप अपनी कंपनी के चेयरमैन से ज्यादा कमा सकते हो और ये कंट्रोल आपके पास है, उसके बावजूद भी आपको EMI भरने के वांदे पड़ जाते हैं। जिस इंडस्ट्री में जितना मान सम्मान मिलता है कंपनी की तरफ से, उतना कहीं भी नहीं मिलता है। समाज की तरफ से नहीं मिलता वो अलग बात है, पर कंपनी की तरफ से मिलता है। कंपनी जब आपको अवार्ड फंक्शन के लिए किसी होटल में ले जाती है, तो 2-स्टार होटल में नहीं ले जाती है, 5-स्टार होटल होता है मिनिमम। अपनी जेब से कभी 5-स्टार होटल में नहीं जा सकते, लेकिन कंपनी ले जाती है आपको। आज अगर आपका बच्चा बोल दे कि मुझे जॉर्डन एयर के शूज चाहिए 80,000 के, तो 80,000 बार हार्ट अटैक आ जाता है आपको। इस इंडस्ट्री में आप एक पॉलिसी से 80,000 रुपए कमा के बच्चे के मुंह पे फेंक सकते हो, जो देखे तो बाप था उतरा, चिंता मत कर। उस इंडस्ट्री में आपकी जेब में 10,000 रुपए नहीं होते यार, तो ये कुत्ते से अच्छी जिंदगी नहीं है। हाँ मजबूरी समझ में आता है, सर नौकरी कर रहा हूं सर, वो हमारी कंपनी इससे ज्यादा सैलरी देती नहीं सर, मैंने मेरे बॉस को बोला कि सर मेरी सैलरी बढ़ा दो, तो बॉस ने बोला जमता है तो करो नहीं तो रहने दो। तो समझ में आती है बात कि भैया क्या करेगा आदमी यार। लेकिन इंश्योरेंस में आने के बाद जहां पर अनंत संभावना है, कंट्रोल आपके पास है, और आप कॉल नहीं कर रहे हो यार। एक मैनेजर होता है ना, उसकी लिमिट होती है सर, मैनेजर चाहे तो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता है, लेकिन एडवाइजर कर सकता है।
ये मैनेजर है, ये बोले ना कंपनी को मैं सुबह 7 बजे ऑफिस आऊंगी, कंपनी बोलेगी कि 9 बजे टाइम है, उससे पहले मत आना, राइट और रॉन्ग? लेकिन एजेंट सुबह 6 बजे जा सकता है, पर 6 बजे तो उसको अच्छी वाली नींद आ रही होती है, कैसे चला जाए? वो बहाने दुनिया भर के बना रहे। दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं विश्राम भाई, एक वो जो नाम और पैसा बनाते हैं और दूसरे बहाने। आप क्या बना रहे हैं? और दोनों चीजें एक साथ नहीं बनती है। तो वो जो सोफे पे कुत्ता बैठा है वो बहाने बना रहे हैं, और अगर आप भी बहाने बना रहे हैं तो आप में और उस पर कोई अंतर नहीं है। बुरा लगता है तो लगे आपको भले। एक ऐसे प्रोफेशन में विश्राम भाई जहां पर आपके कंट्रोल में इनकम है, अगर आप अपनी वाइफ के साथ जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने और राइट साइड में देखकर ऑर्डर देना पड़ रहा है आपको, जो लड़की सब कुछ छोड़कर आपकी जिंदगी में आ गई, और ऐसा भी नहीं है कि रोज ले जाते हो होटल, हाँ ये और है कहानी, मतलब चुन चुन के इकट्ठे किए आपने, उसको भी पता है वो काट का, हाँ वो बोल रहा है सर मैंने तो मेरी वाइफ को बोल दिया है कि जो ऑर्डर करना है ऑर्डर कर ले। अरे तूने तो तेरी वाइफ को बोल दिया है, लेकिन तेरी वाइफ को औकात पता है? साडू साहेब, वाइफ जब बोलती है ना कि सूप मंगाते हैं सूप, तो पति क्या बोलते हैं पता है? सूप क्या होता है? उबला पानी, बॉइल वाटर होता है वो, और गर्म पानी पियो पेट वैसे ही भर जाएगा, पर सूप क्या करेंगे? अरे सूप नहीं चाहिए, सूप नहीं चाहिए। तो वो सलाद मंगाते हैं, वो सलाद क्या, आधी ककड़ी आधा टमाटर आधा गाजर, 150 रुपए ले लेते हैं, पर ये तो घर पे ही खा लेंगे जाके। पनीर की सब्जी मंगाते हैं, तो सतीश भाई बोले पनीर की सब्जी, पनीर में ग्रेवी होता है, ग्रेवी हफ्ते हफ्ते भर फ्रिज में रखी हुई होती है, उसी से तो एसिडिटी होती है मेरी। तो पत्नी बोलती है तुम ही बता दो क्या मंगाना है, तो बोलते दाल बहुत अच्छी होती है यहाँ की, फ्रेश हमेशा, रनिंग आइटम। बुरा लगेगा सुन के आप लोगों को, पर मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि बहाने बनाना बंद करिए प्लीज। और मैं विश्राम भाई आपको, आपके आज के बाद अगर आपका कोई एडवाइजर आकर आपको बोले ना एजेंट कि सर काम नहीं हो रहा है, सर ये तकलीफ है वो तकलीफ है, प्रॉब्लम आपकी, गलती भी आप ही की है, आप सुन लेते हो उसकी बात, आप क्या लगते हो उसके? अगर वो व्यक्ति 1,00,000 रुपया कमाएगा, 5 पैसा भी आपको देगा क्या उसमें से? किसके लिए कमा रहा है वो? खुद के लिए और परिवार के लिए। तो आप बस सुनो, आज के बाद आपका एजेंट आकर बोले ना अरे सर बहुत तकलीफ है, सर कस्टमर ना बोल रहा है, मेरे से नहीं होता है ये, उसको बोले 1 सेकंड रुक जा बेटा, 1 सेकंड रुक जा, अपना फोन निकालो, उसकी वाइफ को और मम्मी को और पापा को फोन लगाओ और उसको बोलो कि हाँ बेटा अब बोल तेरे से नहीं होता है, मेरे को क्या कह रहा है नहीं होता है, मम्मी पापा को बोल नहीं होता है, वाइफ को बोल नहीं होता है, बच्चों को बोल नहीं होता है मेरे से, उनको पता चलने दे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि आपके पास तो 50 एजेंट है, 50 और रिक्रूट कर लोगे, उसके घर वालों के पास 50 पति और 50 बच्चे नहीं है, एक आप ही हो। और जब तुम घर से बाहर निकलते हो ना, अच्छा एक तो निकलते ही नहीं हो, अलाउड नहीं है सर, आपको भी अलाउड नहीं है 9 बजे के बाद घर, 9 बजे के बाद घर के अंदर बैठे रहना। आप बोलते हो अरे सर 12 बजे कॉल है, 12 बजे पत्नी को पता चलता है कि ये आदमी 9, 11, 12 बजे तो घर से बाहर जाते नहीं, धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसका, प्रेशर में आएगी। और पत्नी प्रेशर में आएगी तो आपके ऊपर प्रेशर डालेगी, या रिवर्स, अगर पत्नी आपके ऊपर प्रेशर डाल रही है तो मान के चलो वो उसको प्रेशर दिया हुआ है आपने। और पत्नी को एक ही प्रेशर होता है, फाइनेंशियल रिस्क का, फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी का ही प्रेशर होता है उसको। तो आप घर से शर्मा जी, घर से 9 बजे घर से बाहर निकल जाइए नहा धोके तैयार होकर, ऑफिस में भी सिर्फ 2 ही घंटे बैठिए। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होती है, आप जब भी एजेंट आता है आप ऑफिस में बैठे होते हो, जब भी एजेंट आता है आप ऑफिस में बैठे, एजेंट को लगता है साला काम मैं कर रहा हूं, बैठा बैठा कमा रहा है। एजेंट को भी मैं यही बोलता हूं, अलाउड ही नहीं है ऑफिस में बैठना कस्टमर के सामने, लेकिन सर कोई कॉल ही नहीं है, मीटिंग नहीं है, तो भी ब्रांच में मत बैठो, घर में मत बैठो, एक किराए पे रूम ले लो, एक कमरा किराए पे ले लो, वहां जाकर सो जाओ मंजूर है, लेकिन ऑफिस और घर में बैठना मंजूर नहीं है। समझ आ रही है? 2 घंटे
उसको पता होना चाहिए कि आप सिर्फ 11 बजे से 1 बजे तक मिलते हो, उसके बाद सर कहाँ गए? बोले सर कॉल करने गए। सिंपल, क्योंकि आपको कॉल करना बहुत जरूरी है सर। आप कॉल करोगे, पॉलिसी लाओगे, पॉलिसी लाओगे, लॉग इन करोगे, एजेंट को बोलोगे मैंने एक पॉलिसी, तो एजेंट कभी आपको ये नहीं बोल पाएगा कि सर धंधा नहीं होता। आप बोलोगे हो रहा है ना, मैं कर रहा हूं ना। लीडिंग बाई एग्जाम्पल कहते हैं इसको। अब कुछ ऐसे एजेंट होंगे जो वीडियो देखेंगे, बोले बिल्कुल सही बात है सर, हमारे डीओ साहब कॉल नहीं करते, तुम बहुत करते हो। कहानियां सुनाना बंद करो प्लीज, और सुनानी है तो मुझे नहीं, अपने डीओ और सीएलआई और लीडर को नहीं, अपने उन लोगों को सुनाइए जिनके लिए आपने वादा किया था काम करने का। मम्मी ने तो नहीं बोला, जब आप पेट में थे सतीश जी, मम्मी को 5-5 महीने तक रोज सुबह वॉमिट होता था, उल्टी होती थी सुबह सुबह, जी खराब हो जाता था, पूरा दिन खराब होता था। मम्मी ने तो नहीं बोला बहुत तकलीफ हो रही है, बच्चा गिरा दूंगी। सर तमाम तकलीफों के बावजूद भी शर्मा जी दिया ना था ना। भारत में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हाईएस्ट है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी औरतें मर जाती है। इन तमाम रिस्क के बावजूद भी आपकी मां ने आपको जन्म दिया। कहानी नहीं सुनाई थी कि नहीं होता है सहन, और आपको 4 कस्टमर बना कर देते, आप बोलते सहन नहीं होता ये प्रोफेशन। मेरे को मत बताइए, अपने लीडर को मत बताइए, अपने मम्मी को जाकर बोलिए कि नालायक पैदा किया तूने, नहीं होता है मेरे से का। और ऐसे कैसे नहीं होता है यार? ऐसा क्या है इसमें जो नहीं होता है? भाई नहीं होता है, सीख लो भाई। दो ही चीजें हो सकती है, एक इच्छा नहीं है मेरी करने की। इच्छा नहीं है तो माँ बाप के सामने बैठकर बोलो कि मेरी कुछ इच्छा नहीं होती है काम करने की आप लोगों के लिए, और आता नहीं है तो सीख लो। और मैं बड़े दिल से बता रहा हूं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो सिखाने वाले लोग पहुंच जाएंगे आप तक, क्योंकि वो एनर्जी खींचती है। कहते हैं ना, अगर आपका लक्ष्य निश्चित है तो संपूर्ण सृष्टि आपकी सफलता के लिए प्रयास करती है। मैं आपको एक सीक्रेट तो नहीं है पर आपके सुनना, आज के बाद आप गौर करना, जैसा आप वाइफ के साथ बात कर ट्राई करके देख लेना, आज से पहले गौर नहीं किया तो। आप अपने वाइफ के साथ बात करना कि ये काम करते हैं, इस समर वेकेशन में अपन गोवा घूमने चलते हैं, नहीं समर वेकेशन में दिवाली पे गोवा घूमने चलते हैं, और अपन गोवा जाएंगे, साउथ गोवा में जाएंगे इस बार, वो नॉर्थ गोवा में भीड़ भाड़ बहुत होती है, प्रीमियम एकदम 5-स्टार होटल में जाएंगे, ललित, साउथ गोवा में जाएंगे घूमने, 3-4 दिन के लिए घूमेंगे, मजे करेंगे, वापस आ जाएंगे। और आप देखना अचानक से फेसबुक पे आपको गोवा के ऐड आने लग जाएंगे। आप ऐसा बोलना सर अपने वाइफ को या दोस्त यारो दोस्तों को, दांत में बहुत दर्द हो रहा है, निकलवाना पड़ेगा, पता नहीं कुछ करना है, आपको दांत के ऐड आने लग जाएंगे। कैसे? ये कोई वाइब्रेशन का गेम नहीं है, वो आपका मोबाइल सुन रहा होता है आपके सारी चीजें, वो आपको पता नहीं, वो सुन रहा होता है, सब रिकॉर्डिंग चल रही होती है, और उसमें जो कीवर्ड निकाल कर सेम चीज आपको देने लग जाते। ब्रह्मांड की शक्तियां भी ऐसे ही काम कर रही होती है। आप बोलोगे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपको याद, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपको जीवन में कुछ भी समझ में नहीं आया ना क्या करूं, तो वो करो जो दादी नानी कहा करते थे। दादी नानी क्या कहते थे सतीश जी? है शाम को खराब खराब नहीं बोलना चाहिए, ऊपर से देवताओं के गण निकल रहे होते हैं, है ना, शिव के गण निकल, तथास्तु बोल देते हैं, गंदा गंदा मत बोलो, खराब खराब मत बोलो। तो सेम चीज तो मैं बोलो, अरे सर नहीं होता है मेरे से, अरे सर कस्टमर, आप देख लो 99% टाइम नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऊपर से तथास्तु 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 होता रहता है। हो तो नहीं रहा है ना, तो एक बार पॉजिटिव बोल लो ना, वही मैं प्रयास कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, सीखूंगा मैं, मुझे सीखना है, तो सिखाने वाले लोग मिल जाएंगे। और आप देखना अचानक से वीडियो वैसे आने लग जाएंगे आपके पास। क्लोजिंग नहीं हो रहा है, बात करो 4 लोगों से, क्लोजिंग के ट्रेनिंग के वीडियो आने लग जाएंगे आपके पास, क्योंकि यूट्यूब भी तो सुनना है ना, है तो गूगल का ही बच्चा हो। अदरवाइज यूट्यूब सजेशन कैसे देता है? उसको कोई सपना नहीं आता है, वो कीवर्ड्स पकड़ता है, उसका एल्गोरिथम ऐसा बना होता है, वो कीवर्ड्स पकड़ के सजेशन देता है। ख्याल आ रहा है? So, बहाने बनाना बंद, कहानियां बनाना बंद, काम करना शुरू करिए। क्योंकि आप अगर काम नहीं करेंगे तो इंतजार नहीं करेगी कंपनीज, कस्टमर इंतजार नहीं करेगा कि तुम कॉल करने आओ तो मैं इंश्योरेंस लेना शुरू करूं। आप नहीं कर रहे हैं काम, उसके बावजूद भी इंडस्ट्री 19% से ग्रो कर रही है।
कस्टमर अपने परिवार को सुरक्षित कर रहा है लाखों। और मैं तो बोलता हूं कि जितना पैसा म्यूचुअल फंड में, वैद्य जी, जितना पैसा म्यूचुअल फंड में इकट्ठा किया जाता है ना SIP के नाम पे, उतना पैसा तो इंश्योरेंस कंपनी कमीशन के नाम पे बांट देती है। और आप बोल रहे हो मेरे से होता नहीं है, तो भैया तेरे से क्या होता है वो बता दे मेरे को, वो बता, ये बोलना पड़ेगा आपको उसको। आपको लगेगा अरे सर बुरा लग गया, तो अच्छा, तो अच्छा लगा लगा कि क्या उसने हासिल कर लिया वो बता दो मुझे। सो कहानियां सुनाना बंद, बहाने बनाना बंद। 9825600778 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, मुझसे संपर्क में रहिए, मुझे व्हाट्सएप करिए कोई भी समस्या है तो। इंश्योरेंस में सफलता के लिए जो भी चीज आड़े आ रही है मुझे पूछिए, मैं जवाब दूंगा आपको, मेरा वादा है आपसे, पर कहानियां नहीं सुनाना है। अगर वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट।